अस्सलामु अलैकुम गाइस, यू आर वाचिंग मोबाइल एक्सपर्ट शो एप चैनल। तो गाइस आज हम देखेंगे विदाउट ओसी मशीन और विदाउट टूटर ग्लास पेस्ट करने का तरीका। तो सबसे पहले आपको एलसीडी को ठीक से साफ कर लेना है, फिर ओसी पेपर लेना है, एलसीडी बॉटम पर बिठा लेना है। अब एक कार्ड से इस तरह से आपको स्वीप करना है, एडजस्ट करके स्वीप करना है। अब आपका विदाउट बबल ओसीए चढ़ चुका है। कोई इसमें बबल नहीं है। फिर आपको एक शॉर्ट प्लेट लेना है, एक्स्ट्रा पेपर कटिंग कर लेनी है। चुकी है, अब एलसीडी को फ्रेम में बिठा लेंगे। फ्रेम इसका ये एलसीडी को बिठा लेंगे। बैठ चुकी है और इसका ग्लास लेना है। अब ये पेपर आपको दोनों साइड से रिमूव कर लें, ग्लास के ऊपर से दोनों तरफ से पेपर हटा लेंगे। साइड पे रख दिया ग्लास। अब ये जो एलसीडी के ऊपर जो आपकी अप वाली पन्नी होती है वो हटा लेंगे। ठीक है दोस्त, हटा दिए। ग्लास लेंगे, ग्लास को अच्छी तरीके से फ्रेम में बॉर्डर टू बॉर्डर अच्छी तरीके से एडजस्ट करके बिठा लेंगे। याद रहे फ्रेंड्स के ऊपर से आपको गैप रखना है, डिस्टेंस रखनी है एलसीडी और ग्लास के। अप साइड पे आपको डिस्टेंस रखना है और बाकी आपको नीचे से पुश करते हुए ऊपर की साइड आना है। एलसीडी और गिलास की कैप में साइड से डिस्टेंस रखना है और फ्रेम से निकाल लेना है। गाइस ये आप देख सकते हैं कि फ्रेम से निकल चुकी है, ऊपर में डिस्टेंस रखा हुआ है। अब इस तरह से आपको पेस्ट करना है। नीचे से पेस्ट करते हुए आपको अप साइड आना है। समझ रहे हैं गाइस, लाइक दिस।
हमारा कॉम्बो रेडी। इस तरह से आप और एलसीडी एलईडी ग्लास चेंज कर सकते हैं विदाउट ओसीएम मशीन और विदाउट ग्रूडर के। आपको इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह से मेथड करना जानते हैं तो आप विदाउट मशीन ओसीए मशीन और विदाउट ग्लास रूलर के आप ओसीए भी चढ़ा सकते हैं विदाउट रूलर के और ग्लास भी कर सकते हैं। तो गाइस अब वीडियो समझ आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।